हेलो एवरीवन, आज की न्यू रेसिपी है स्पाइसी वेज नूडल्स। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में पानी को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। वाटर बॉयल होने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड कुकिंग ऑयल। आप चाहें कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वाटर बॉयल होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स। अगर आपको नूडल्स स्टिकी पसंद नहीं है, आप चाहते हैं नूडल्स खुले खुले बने, तो इसके लिए आपको पानी में सॉल्ट एंड कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं उसको ऐड कीजिए और उसके बाद नूडल्स को बॉयल होने के रख दीजिए। जैसे ही नूडल्स हाफ से ज़्यादा कुक हो जाएं तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद इसको कवर करके 5 मिनट रख दीजिए। आपके नूडल्स एकदम खुले खुले तैयार हैं। अब हम इसको स्ट्रेनर की हेल्प से वाटर से सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करने के बाद इसको कोल्ड वाटर से एक बार वॉश करने के बाद ये देखिए नूडल्स एकदम खुले खुले तैयार हैं। और अब हम बनाते हैं वेज स्पाइसी नूडल्स। तो इसके लिए मैंने कुछ वेजीज यहाँ पर चॉप करके रखी है, जिसमें है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं स्पाइसी वेज नूडल्स। ये लीजिए, बिल्कुल मार्केट जैसे स्पाइसी वेज नूडल्स रेडी है, जिनको आप घर पे इजीली बना सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।